नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं शुगर का रामबाण आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। जानिए और इसे शेयर कीजिए ताकि आपके अपने भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुगर अर्थात मधुमेह को नियंत्रित करना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, मगर आयुर्वेद और घरेलू ज्ञान इतना प्रबल है कि इस पर विश्वास रखकर इसको निरंतर करने से कितना भी प्रबल रोग हो सही हो जाता है। अनेकों लोगों ने इनको अपनाकर अपनी शुगर को नियंत्रित किया है, तो आप इसको जान करके अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है बस निरंतरता और परहेज की। सबसे पहले तो मधुमेह रोगियों को अपनी दिनचर्या में दो काम जरूर शामिल करने चाहिए, एक है योग और दूसरा है शेयर करना। उसके बाद में ये प्रयोग करने वाला कितना भी पुराना मधुमेह का रोगी हो उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मधुमेह रोग अधिक पौष्टिक भोजन करने, अधिक गुड़ शक्कर चीनी व मिठाइयाँ खाने वाले व्यक्ति जब शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाते हैं। शुगर होने के लक्षण। शुगर रोग में रोगी की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उच्च रक्तचाप अधिक हो जाता है। इस रोग में किडनी पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मधुमेह रोग का शुरू में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब शारीरिक कमजोरी बढ़ने लगती है और शरीर के विभिन्न अंगों में खुजली और चींटियां रेंगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मधुमेह रोग से ग्रसित हो गए हैं। मधुमेह रोग में रोगी को अधिक बार प्यास लगती है, रोगी बार बार पेशाब के लिए जाता है। शुगर के उपचार के घरेलू नुस्खे। शुगर के इलाज के लिए कुछ देसी नुस्खे बहुत फायदेमंद होते हैं, परंतु इनमें से किसी को भी आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से राय अवश्य लें और रक्त में शुगर की जांच नियमित कराते रहना चाहिए। करेले से शुगर का घरेलू उपचार। करेले को शुगर की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कड़वा रस शुगर की मात्रा कम करता है। मधुमेह के रोगी को इसका 5 ग्राम रस रोज पीना चाहिए। अभी अभी नए शोधों के अनुसार उबले करेले का पानी मधुमेह नियंत्रण करने में बहुत ही सक्षम है। 50 ग्राम करेलों को 100 मिलीलीटर पानी में उबालकर पीने से मधुमेह रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। करेले के 10 ग्राम रस में शायद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से मधुमेह नियंत्रण होता है, परंतु ध्यान रखें कि शायद शुद्ध होना चाहिए। करेले और सफ़ेद कद्दू का 20 से 30 मिलीलीटर रस खाली पेट लेना चाहिए, इसे भी काफ़ी लाभ मिलता है। मेथी दाने से शुगर का घरेलू उपचार। मधुमेह के उपचार के लिए मेथी दाने के प्रयोग की भी बहुत चर्चा है। आजकल दवा कंपनियां मेथी के पाउडर को बाजार तक ले आई है, इससे पुराना मधुमेह भी नियंत्रित हो जाता है। मेथी दानों का पाउडर बनाकर रख लीजिए, रोजाना सुबह खाली पेट 2 टीस्पून पाउडर पानी के साथ लीजिए। इसके अलावा मेथी के दाने 6 ग्राम लेकर कूट लें और शाम को 250 मिलीलीटर पानी में भिगो दें। सुबह इसे खूब घोटे यानी कि उबाले पानी में वह कपड़े से छानकर आप इसे लेंगे तो आपको मधुमेह रोग से निजात मिलेगा। कुछ दिनों में आप इसकी अद्भुत क्षमता देखकर चकित रह जाएंगे। शुगर में जामुन के घरेलू उपचार। शुगर के उपचार में जामुन एक पारंपरिक औषधि है। मौसम के अनुरूप जामुन का सेवन शुगर की दवा के रूप में खूब करना चाहिए। इसके बीजों में जाम्बोलिन नामक तत्व पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलने से रोकता है। जामुन की गुठली को बारीक पाउडर बनाकर रख लें। दिन में 2-3 बार 3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से शुगर की मात्रा कम हो जाती है। जामुन की गुठली का पाउडर और सूखे करेलों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रखें। प्रतिदिन 3 ग्राम पाउडर सुबह और शाम पानी के साथ सेवन करें। जामुन की गुठली का पाउडर 3 ग्राम और गुड़ मारवटी का पाउडर 3 ग्राम मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। सदाबहार के फूलों से शुगर का घरेलू उपचार। सदाबहार के कोमल ताजे 5 पत्ते सुबह सेवन करने से मधुमेह में बहुत लाभ मिलता है। आंवले से शुगर का घरेलू उपचार। आंवले का रस 10 ग्राम, हल्दी 1 ग्राम और शहद 3 ग्राम मिलाकर सेवन करने से मधुमेह में काफ़ी लाभ मिलता है। ताजे आंवले के 5 ग्राम रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर रोजाना प्रातःकाल के समय सेवन करने से मधुमेह रोगी को लाभ मिलता है। आंवले का रस 4 चम्मच, गुड़मार की पत्ती का काढ़ा सुबह शाम लेने से मधुमेह नियंत्रण के लिए सहायक होता है। चने और जौ के आटे से शुगर का घरेलू उपचार। चने और जौ के आटे की बनी रोटी खाने से मधुमेह रोगी को लाभ होता है। ज़्यादा फाइबर होने से पाचन क्रिया सरलता से होती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।